सो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम इस वीडियो में बताएंगे कि निवास प्रमाण पत्र कैसे बनाया जाता है। तो चलिए ज्यादा देर ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप क्रोम ब्राउजर को ओपन कर लें। तो चलिए मैं क्रोम ब्राउजर को ओपन कर लेता हूँ, और ओपन करने के बाद यहाँ पे ई डिस्ट्रिक्ट टाइप करना है। तो मैं ई डिस्ट्रिक्ट सबसे ऊपर वाला सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पे ई डिस्ट्रिक्ट का देखिए पेज ओपन हो गया। यहाँ पे देखिए ई डिस्ट्रिक्ट लॉग इन, सिटीजन लॉग इन, साथ ही GAV पंजीकरण, SSDG लॉग इन। हमको यहाँ पे फर्स्ट वाले पे डिस्ट्रिक्ट लॉगिन पे क्लिक करना है। डिस्ट्रिक्ट चलिए हम क्लिक कर देते हैं। क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए ई डिस्ट्रिक्ट का लॉगिन पेज ओपन हो गया है। यहाँ पे लिखा है लॉगिन टू ई डिस्ट्रिक्ट, यहाँ पे सिलेक्ट लॉगिन टाइप, यहाँ पे हमको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये सबसे लास्ट वाला है CSC ई डिस्ट्रिक्ट यूजर। तो चलिए मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे यूजर आईडी और पासवर्ड को रिफिल करने के बाद यहाँ पे कैप्चा को रिफिल कर देते। चलिए मैं कैप्चा को फटाफट रिफिल कर देता हूँ। कैप्चा को रिफिल करने के बाद यहाँ पे सबमिट पे क्लिक कर देते हैं। सबमिट पे क्लिक करने के बाद देखिए हमारा उत्तर प्रदेश ई डिस्ट्रिक्ट परियोजना का पेज ओपन हो गया है। यहाँ पे आप बहुत सारी सेवाओं का लाभ ले सकते हैं जो हमारे VLE भाई हैं, CSC यूजर्स हैं। तो आज हमको यहाँ पे जाति प्रमाण पत्र बनाना था। तो यहाँ पे प्रमाण पत्र वाले सेक्शन में आ जाना है, जाकि यहाँ देखिए जाति प्रमाण पत्र हिंदी, जाति प्रमाण पत्र इंग्लिश, आय प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, विकलांग प्रमाण पत्र और हैसियत प्रमाण पत्र। हमको जाति प्रमाण पत्र हिंदी पे आ जाना है, क्योंकि इंग्लिश वाला ये राष्ट्रीय स्तर से होता है और हिंदी वाला ये डिस्ट्रिक्ट स्तर से होता है। तो हमको हिंदी वाला क्लिक करना है। चलिए हम क्लिक कर देते हैं। क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए जाति प्रमाण पत्र है, तो आवेदन पत्र आ गया है। यहाँ पे लिखा है सेवा का प्रकार ग्रामीण और नगरी, तो हमको ग्रामीण पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे बाय डिफॉल्ट क्लिक है। चलिए हम यहाँ पे रिफिल कर देते हैं। प्रार्थी का नाम इंग्लिश में सबसे पहले कर दे, उसके बाद हिंदी सेलेक्ट कर लेंगे। इंग्लिश में टाइप करने के बाद हम यहाँ पे चलिए हिंदी सिलेक्ट कर लेते हैं। हिंदी फोनेटिक सिलेक्ट करने के बाद अब यहाँ पे प्रार्थी का नाम हिंदी में टाइप करते हैं। ठीक, हिंदी में टाइप करने के बाद यहाँ पे लिखा है पिता पति संरक्षक का नाम। तो अगर शादी हो गई है तो पति का नाम रहेगा, नहीं तो पिता का नाम रहता है। तो चलिए मैं पिता का नाम यहाँ पे डाल देता हूँ। पिता का नाम डालने के बाद माता का नाम डाल देते हैं। आपको माता का नाम पता है तो ठीक है, नहीं तो यहाँ पे आप दो डॉट डाल सकते हैं। उसके बाद माँ का नंबर पता है तो ठीक है, नहीं तो इसको छोड़ दीजिए। उसके बाद मोहल्ला पोस्ट डाल देते हैं। तो चलिए मैं मोहल्ला पोस्ट डाल देता हूँ। मोहल्ला पोस्ट नाम डालने के बाद यहाँ पे जिला ऑलरेडी सिलेक्ट है, यहाँ पे तहसील हम चुन लेते हैं। तहसील चुनने के बाद यहाँ पे ग्राम ग्राम सिलेक्ट कर लेते हैं। ठीक, ग्राम को सिलेक्ट कर लेते हैं। और यहाँ पे लिखा है 10 नंबर पे देखिए स्थायी पता, अगर स्थायी पता अलग है और वर्तमान पता अलग है तो यहाँ पे स्थायी पता अपना डाल दें। अगर दोनों सेम है तो यहाँ पे उपरोक्त में जो ये बॉक्स है यहाँ पे आप टिक कर देंगे, तो यही पता यहाँ पे रिफिल हो जाएगा, जैसे कि आप देख सकते हैं। उसके बाद मोबाइल नंबर यहाँ पे चलिए डाल देते हैं। मोबाइल नंबर डालने के बाद यहाँ पे प्रमाण पत्र का प्रारूप हिंदी है सिलेक्ट है। उसके बाद यहाँ पे देखिए जाति सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद उपजाति, उपजाति भी सिलेक्ट कर लेते हैं। अब यहाँ पे प्रमाण पत्र बनवाने का कारण यहाँ पे हम फिर ठीक यहाँ पे डाल देते हैं। उसके बाद इसमें लिखा हुआ है क्या इससे पूर्व जाति प्रमाण पत्र जारी हुआ है, तो अगर जारी हुआ है तो ठीक है, नहीं तो बाई डिफॉल्ट यहाँ पे नहीं लिखा है तो नहीं रहने देना है। उसके बाद आवेदन शुल्क का भुगतान कर दिया है, यहाँ पे हाँ लिखा है तो हाँ पे रहने देना है। उसके बाद यहाँ पे लिखा है संलग्नक शीर्षक अटैचमेंट टाइटल। उसके बाद यहाँ पे कुछ नोट दिए हुए हैं, आप इसको पढ़ सकते हैं। जैसे कि लिखा हुआ संलग्न केवल JPG, JPEG, PNG फोटो, अधिकतम साइज 50 KB और संलग्न अधिकतम साइज 100 KB अनिवार्य। संलग्न घोषणा पत्र फोटो, ठीक है। चलिए हम चुने पे क्लिक कर लेते हैं। पहले चुने पे क्लिक करने के बाद सबसे पहले हमको फोटो को अपलोड करना है, तो यहाँ पे फोटो को सिलेक्ट कर लेते हैं। और फोटो को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे देखिए चूज फाइल है, तो चूज फाइल पे हमको क्लिक कर देना है। चलिए हम क्लिक कर देते हैं। क्लिक करने के बाद हमको ये रिडायरेक्ट कर देगा हमारा फोटो जहाँ पे भी है। तो देखिए हमारी फोटो या डाउनलोड सेक्शन में है, तो यहाँ पे हमको ये रिडायरेक्ट कर दिया। हम यहाँ हमारी जो फोटो जहाँ पे है उसको हम सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे ओपन पे क्लिक कर देना है। ओपन पे क्लिक करने के बाद देखिए हमारी फोटो यहाँ पे आ गई है, और उसके बाद हमको अपलोड पे क्लिक करना है। तो चलिए हम क्लिक कर देते हैं। क्लिक करने के बाद देखिए हमारी फोटो अपलोड हो चुकी है। यहाँ पे देखिए फोटो का ऑप्शन आ गया है, ठीक है। अब उसके बाद हमको यहाँ पे आधार कार्ड को अटैच करना है, तो फिर हमको यहाँ पे चुने पे क्लिक करना है। चुने पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए सबसे लास्ट वाला है, क्योंकि यहाँ पे आधार कार्ड का ऑप्शन नहीं लिखा है, तो यहाँ पे हमको
अन्य पे क्लिक कर देना है। अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है तो आप राशन कार्ड की छायाप्रति लगा सकते हैं, या फिर पार्षद या वार्डन या ग्राम प्रधान का जात प्रमाण पत्र लगा सकते हैं, या फिर स्वप्रमाणित घोषणा पत्र। ठीक है, आप इसमें तीन चार ऑप्शन है, आप चूज कर सकते हैं। अगर इन सब में कुछ भी नहीं है तो आप अन्य पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए अन्य संलग्न शीर्षक, तो आपको क्या चीज लगाना है इसमें, आप यहाँ पे उस चीज को यहाँ पे लिखना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे आधार कार्ड लगा रहा हूँ, तो आपको यहाँ पे आधार कार्ड लिख देते हैं। आधार कार्ड लिखने के बाद आपको फिर चूज फाइल पे क्लिक करना है। तो चलिए हम चूज फाइल पे क्लिक कर लेते हैं, और ये हमारा आधार कार्ड जहाँ पे है फिर हमको वहाँ पे रिडायरेक्ट कर देगा। तो चलिए हम आधार कार्ड को, जहाँ पे हमारा आधार कार्ड है उसको हम चूज कर लेते हैं। क्लिक करने के बाद यहाँ पे ओपन पे क्लिक करते हैं। ओपन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए फिर अपलोड का ऑप्शन है, फिर अपलोड पे क्लिक करते हैं। अपलोड पे क्लिक करने के बाद देखिए हमारे यहाँ पे आधार कार्ड और फोटो दोनों यहाँ पे आ गया है। अब उसके बाद इसको यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है इंटर सिक्योरिटी कोड, तो हमको सिक्योरिटी कोड के यहाँ पे इंटर कर देना है। और उसके बाद हमको एक बार फिर से इसको चेक कर लेना है, अगर सब कुछ ओके है तो यहाँ पे दर्ज करें पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे देखिए सबसे नीचे दर्ज करें, तो यहाँ पे दर्ज करें पे क्लिक कर देते हैं। क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए आ गया जाति प्रमाण पत्र हेतु आवेदन पत्र, आवेदक का विवरण दिया हुआ है, आवेदन संख्या दिया हुआ है, उसके बाद आवेदन तिथि दिया है, नाम दिया हुआ है, पिता का नाम, माता का नाम, वर्तमान पता, उसके बाद मकान नंबर, ग्राम, मोहल्ला, पोस्ट, जनपद, मोबाइल नंबर, स्थायी पता, जाति, उपजाति, प्रमाण पत्र बनाने का कारण, संलग्न की शीर्षक, कैसे पूरे जाति प्रमाण पत्र जारी हुआ है, और उसके बाद संलग्न का विवरण जो 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 आपने यहाँ पे अपलोड किया है यहाँ पे आ गया है। और उसके बाद अब हमको यहाँ पे करना है। तो पे करने के लिए हम सबसे पहले है सहज का पोर्टल ओपन करना है, क्योंकि ये जो हमारा पैसा कटेगा वो सहज के पोर्टल से ही कटेगा। तो चलिए मैं सहज का पोर्टल ओपन कर लेता हूँ। पोर्टल ओपन करने के लिए हमको नया पेज ओपन करना पड़ेगा, और यहाँ पे क्रोम ब्राउजर पे यहाँ पे देखिए थर्ड वाला ऑप्शन है सहज लॉगिन, सहज लॉगिन पे क्लिक कर देते हैं। क्लिक करने के बाद देखिए फर्स्ट वाला जो वेबसाइट है होम सहज, इस पे हमको क्लिक करना है। तो चलिए क्लिक कर देते हैं। क्लिक करने के बाद देखिए हमारा सहज का पोर्टल ओपन हो रहा है। यहाँ पे लॉगिन पेज आ गया है, और यहाँ पे यूजर नेम और पासवर्ड को रिफिल करना है। तो चलिए मैं रिफिल कर देता हूँ फटाफट, उसके बाद यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक कर देते हैं। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताइएगा, और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो में अपने चैनल पर आते रहता हूँ। तो ये देखिए हमारा सहज का पोर्टल ओपन हो गया है, और अब इसको यहाँ पे चाहे तो इसको मिनिमाइज कर देते हैं, चाहे तो इसको ऐसे रहने देते हैं। हमको फिर से उसी पेज पे आ जाना है जो हम जाति प्रमाण पत्र बना रहे थे। तो देखिए हम जाति प्रमाण पत्र वाले पेज पे फिर आ गए हैं, और उसके बाद अब हमको यहाँ पे लिखा हुआ है यदि आवेदक द्वारा दिया गया विवरण सही है तो दर्ज करें अथवा आवेदन संशोधित करें। तो ठीक है, इसमें देखिए तीन ऑप्शन दिया गया है, आवेदक, संशोधित करें और वापस। अगर कुछ प्रॉब्लम्स है या कुछ इसमें आपने गलत इन्फॉर्मेशन भर दिया है तो इसको आप संशोधित कर सकते हैं। अगर आपको ये फॉर्म नहीं भरना है तो इसमें वापस जा सकते हैं। अब अगर ये सब कुछ सही है आपके हिसाब से तो यहाँ पे दर्ज करें पे क्लिक करें। यहाँ पे देखिए दर्ज करें है, यहाँ पे दर्ज करें पे क्लिक करें। चलिए मैं क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करने के बाद देखिए मैंने जैसे बोला था कि आपको ये रिडायरेक्ट कर देगा सहज के पोर्टल पे। तो ये देखिए सहज का पोर्टल हमारा ओपन हो गया है, और यहाँ पे पेमेंट का ऑप्शन चालू हो गया। यहाँ पे लिखा हुआ इस कैश डिडक्शन, यहाँ पे हमारा अमाउंट देखिए आ गया है, और इस कैश का कार्ड नंबर है, और यहाँ पे हमको पिन नंबर एंटर कर देना है। तो चलिए मैं पिन नंबर एंटर कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे पासवर्ड, तो चलिए पासवर्ड भी फटाक से डाल देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे कस्टमर का मोबाइल नंबर डालना है, तो यहाँ पे कस्टमर का मोबाइल नंबर डाल देते हैं। मोबाइल नंबर डालने के बाद यहाँ पे देखिए पे का ऑप्शन है, तो चलिए हम पे पे क्लिक कर देते हैं। पे पे क्लिक करने के बाद ये रिसिप्ट जनरेट कर दिया, जो कि लिखा हुआ इस कैश डिडक्शन सक्सेसफुली डन। उसके बाद एप्लीकेशन आईडी यहाँ पे दिया हुआ है, इस कैश ट्रांजेक्शन आईडी और इस कैश ट्रांजेक्शन डेट सब कुछ दिया हुआ। उसके बाद ये सब कुछ कुछ ओके है। उसके बाद हमको यहाँ पे ओके पे क्लिक कर देना है। ओके पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए नया पेज ओपन हो गया, जहाँ पे लिखा हुआ पेमेंट सक्सेसफुल, और यहाँ पे लिखा हुआ प्रोसीड फॉरवर्ड टू अप्रूवल अथॉरिटी। तो हमको यहाँ पे क्लिक कर देना प्रोसीड फॉरवर्ड टू अप्रूवल अथॉरिटी। क्लिक करने के बाद देखिए हमारे पास एक्नॉलेजमेंट स्लिप आ गई, जिसको पावती पत्र भी कहते हैं। उसमें आवेदक की संख्या, पावती तिथि, सेवा का नाम, आवेदक का नाम, आवेदक के पिता पति का नाम, उसके बाद जो शुल्क कटा हुआ है वो भी आ गया है, उसके बाद केंद्र का विवरण आ गया है। ठीक है, अब इसको आपको प्रिंट चाहिए तो आप यहाँ पे प्रिंट कर सकते हैं, बैक चाहिए तो बैक जा सकते हैं, और उसके बाद चाहे तो इसको क्लोज कर सकते हैं। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताइए, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी लीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।